क्या राजसमंद में लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस का दिया हुआ टिकट सुदर्शन सिंह रावत की सहमति के बिना दिया गया? ये प्रश्न हालांकि मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मगर कल के इस टिकट वितरण की घोषणा के बाद से ही लगातार कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के बीच भी ये बातचीत का एक विषय बना हुआ है। उस विषय के अपने आधार हैं और उस संबंध में हमने कांग्रेस के पदाधिकारियों से भी बात की है, सुदर्शन सिंह के जो बहुत करीबी माने जाते हैं उनसे भी बात की है। और ये विषय इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि टिकट की घोषणा के बाद से ही अभी तक सुदर्शन सिंह रावत की इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमूमन देखा जाता है कि जब भी इस प्रकार से किसी को प्रत्याशी बनाया जाता है, किसी को अवसर दिया जाता है, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के प्रति आभार जताया जाता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, एक परंपरा होती है। ऐसा कुछ भी सुदर्शन सिंह रावत की तरफ से अभी तक नहीं किया गया है। उसके साथ ही एक जो बहुत मुख्य कारण इस पूरे के पूरे विषय को बड़ा ही गंभीर बना देता है वो यह कि लगातार सुदर्शन सिंह रावत और उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत का फ़ोन बंद बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनसे संपर्क नहीं किया जा रहा है और साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि जब ये टिकट की पूरी कवायद चल रही थी तब सुदर्शन सिंह रावत तो असल में भारत में ही नहीं थे, वो अपने विदेश दौरे पर थे। तो ऐसे में लगातार, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया है कि लगातार ये चीज़ें चल रही थी कि पार्टी सुदर्शन सिंह रावत को अपना चेहरा बनाना चाहती है, मगर सुदर्शन सिंह रावत या उनका परिवार कभी इस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनने को लेकर उतने उत्सुक दिखाई नहीं दिए। मगर उसके बाद जब सुदर्शन सिंह रावत का कल नाम आता है तो लगने लगा कि सारी बातें तय हो गई होगी, सुदर्शन सिंह रावत इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए मान गए होंगे, एक मजबूत चेहरा है तो ये माना जा सकता है कि कांग्रेस ने एक सही चेहरे पर दाव खेला है। परंतु उसके बाद की जो गतिविधियाँ चल रही है जिसमें मैंने आपको बताया कि ना तो उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कोई प्रतिक्रिया दी गई है, कोई आभार भी नहीं जताया गया है, उसके साथ साथ उनका फ़ोन बंद आ रहा है। और जब ये इस प्रकार की चर्चाएँ चलने लगी तो हमने फिर कांग्रेस के पदाधिकारियों को फ़ोन लगाया। उनका भी कहना है कि वो भी एक संशय की स्थिति में ही बने हुए हैं। पदाधिकारियों का यहाँ तक कहना है कि हमने उनको शुभकामना संदेश भेजे हैं मगर उसका भी कोई जवाब नहीं आया है, फ़ोन पर बात अभी तक हो नहीं पाई है। फिर उसके बाद उनके कुछ करीबियों से बात करने की भी हमने कोशिश की तो उनका भी बड़े स्पष्ट रूप से कहना था कि हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई चर्चा ही नहीं थी, हम ये मान के चल रहे थे कि भैया चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सुदर्शन सिंह रावत के उनके करीबी लोग भैया नाम से संबोधित करते हैं, तो उनका कहना है कि भैया चुनाव नहीं लड़ेंगे, यही हमारे बीच में बात चल रही थी। मगर जब ये नाम निकल कर आया तो हालांकि सोशल मीडिया पर समर्थकों द्वारा तो शुभकामनाएं दी गई मगर उनके जो करीबी लोग हैं उनके लिए ये फैसला एक आश्चर्य के रूप में भी सामने आया। और इसके साथ यह भी बताना ज़रूरी है कि वो लोग भी ये कह रहे हैं कि उसके बाद से हम भी सुदर्शन सिंह रावत से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं मगर हमारी बात भी हो नहीं पाई है। तो अब ऐसी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि क्या ये टिकट सुदर्शन सिंह रावत की मर्जी के बिना दिया गया है। अगर ऐसा है तो अब आगे सुदर्शन सिंह रावत की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। मगर ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण बनकर निकलता है क्योंकि हालिया जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें सुदर्शन सिंह रावत के लिए कुछ बेहतर चीज़ आई नहीं, एक बड़े मार्जिन से वो इस चुनाव में परास्त हुए। उसके बाद उनको लगता है कि अगर लोकसभा चुनाव वो लड़ते हैं और उनके लिए वहाँ परिणाम पक्ष में नहीं आते हैं तो उनकी राजनीतिक राहें बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक भविष्य को देखकर भी लोगों का कहना है कि सुदर्शन सिंह रावत इस सीट से चुनाव लड़ने को लेकर कभी ज़्यादा उत्सुक दिखाई नहीं दिए। और अब टिकट में जब घोषणा हो चुकी है, नाम बाहर आ चुका है, उसके बाद पुनः एक बार इन चर्चाओं का चलना कि अभी तक भी संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, ये तभी सभी चीज़ें सिर्फ अनुमान और आकलन पर आधारित है। आखिरी पुष्टि तब होगी जब सुदर्शन सिंह स्वयं आकर इस पूरे के पूरे प्रकरण पर अपना पक्ष रखेंगे। हम भी कोशिश करेंगे इससे तमाम राजनीतिक कवायदों के उठापटक के हर एक पहलू को आप तक पहुँचाने की। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।